ऐसा तो हम सुने ही नहीं थे कि एक कलम से 10 लाख अरे 10 कट्ठा जमीन लिखवावे के है कि एक बार में रजिस्ट्री है। 10 लाख रोजगार एक कैबिनेट में हम दे देंगे, ये हमको ज्ञान नहीं है। हमको मौका मिला है काम करने का सरकार में, ये ज्ञान तो कम से कम हमको नहीं है। हाँ, काम हम जरूर कर रहे हैं और इसका एहसास, और जमीन भी नहीं लेंगे किसी का नौकरी के नाम पर, जमीन उमीन नहीं, सब काम। चूँकि जब सड़कों का जाल बिछेगा, जब बिजली पहुँचेगी, तो बहुत सारे रोजगार के साधन विकसित होते हैं। अरे रोजगार राजनीति में ढूंढिए ना, गांव के नौजवान जो हैं वो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। अरे हम तो बता रहे 10 कट्ठा जमीन लिखवाने का प्रक्रिया है। अरे रोजगार की प्रक्रिया जो है, अब कोई कहे कि हम घर के मालिक बने, एक दिन में घर खड़ा कर देंगे पूरा, तो कम से कम उसके लिए सारा व्यवस्था, ईटा गारा सब व्यवस्था करिएगा ना। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने अब ये वादा किया है कि 1.5 सालों में 10 लाख रोजगार युवाओं को मिलेगा। इसको लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा, यानी भाजपा जदयू के सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बताएं केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की जो बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था, ये 10 लाख रोजगार उसी में से है या अलग है? क्या ये रोजगार संविदा पे होगा? क्या ये रोजगार के लिए फॉर्म फिलअप किया जाएगा? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है डबल इंजन की सरकार के से, भाजपा से नहीं, डबल इंजन की सरकार, और कहा है कि क्या ये रोजगार ठेके पर होगा, क्या इसके लिए फॉर्म भरा जाएगा? नहीं, हम तो बिहार पार्टी के प्रवक्ता है, हम अपनी भूमिका को जानते हैं और हमारा दायित्व भी निर्धारित है। हाँ, ये काम हम नहीं करेंगे कि 10 लाख रोजगार एक कैबिनेट में हम दे देंगे, ये हमको ज्ञान नहीं है। हमको मौका मिला है काम करने का सरकार में, ये ज्ञान तो कम से कम हमको नहीं है। हाँ, काम हम जरूर कर रहे हैं और इसका एहसास, और जमीन भी नहीं लेंगे किसी का नौकरी के नाम पर, जमीन उमीन नहीं, सब काम हमारा। अब बिहार जानता है, इसके बारे में बताने की तो किसी को जरूरत है नहीं। 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन वो सब जो हुआ है, वो सब काम हम लोग नहीं करते। रोजगार के क्षेत्र में हमने जो किया है वो विमर्श का विषय है, और मैं तथ्यात्मक रूप से यह कह रहा हूँ कि संविदा पर जब भी आप रोजगार की चर्चा करते हैं तो कृपा करके यह याद रखिएगा जरूर, माननीय तेजस्वी यादव जी, कि आपकी माँ, जब आपके पिता भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हुए, तो आपने अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं किया। आपकी माँ राज्य के जब मुख्यमंत्री बनी तो संविदा पर इंजीनियर बन को नियुक्त करने की शुरुआत आपके कार्यकाल के अंतिम चरणों में प्रारंभ हुआ। रोजगार के क्षेत्र पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको भी काम करने का मौका मिला, चूँकि आप कहते हैं कि भाई हमारे पिताजी को जो विचारधारा वही हमारी विचारधारा है, तो आपको भी काम करने का मौका मिला। 45 साल भी इस बिहार में काम किया गया, तो मानक उसका सीधा है। ठीक है, हमारी आलोचना और प्रशंसा जितना करना हो कर लीजिए, लेकिन पंचायत स्तर पर जो संगठित क्षेत्र में हमने काम किया है, चाहे वह विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, न्याय मित्र हो, या आशा हो, ममता हो, ये विभिन्न मानक हैं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का डाटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, शिक्षक छात्र रेशियो निकाल करके देख लीजिए उस बिहार में, जिस बिहार में ट्रेनिंग स्कूल तक नहीं था, और पुलिस बल में बेटियों की हिस्सेदारी देश में सबसे अव्वल है। इसके अलावा विभिन्न आयोग और इनके तहत नियुक्तियाँ तो अलग विषय है, वो अलग विषय है। तो और ये संगठित क्षेत्र का मैं बता रहा हूँ, असंगठित क्षेत्र की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चूँकि जब सड़कों का जाल बिछेगा, जब बिजली पहुँचेगी, तो बहुत सारे रोजगार के साधन विकसित होते हैं, और हम रोजगार के प्रति कितने गंभीर हैं कि हमने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाया, इसमें समाज के विभिन्न तबकों को आच्छादित किया, और ये इस प्रक्रिया की देश भर में प्रशंसा हुई कि बहुत ही बेहतरीन, और उसके नतीजे भी निकल करके आएंगे। इसलिए हम यह समझते हैं कि रोजगार, नव उदारवाद की नीतियाँ अपनाने के बाद देश के अंदर में जब मिक्स्ड इकोनॉमी को आपने दरकिनार किया और नव उदारवाद की नीति अपनाई गई, और उस दौर में नीतीश कुमार जी जैसा राज्य का मुख्यमंत्री बने जिन्होंने सर्विस सेक्टर को इतना प्रमुखता दिया, कि आज वही कारण है कि सेवा क्षेत्र के बदौलत हम लोगों ने रोजगार के नए अवसर सृजित किए, और उसके बेहतर नतीजे के लिए अपने अपने पंचायत, गृह पंचायत
काप को मानक मान लेना चाहिए। रोजगार से याद आता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिनों ही वादा किया था कि अगर 19 लाख रोजगार नहीं मिलता है तो हम बेरोजगारी रैला करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर उनका न कोई प्रतिक्रिया आता है, न कब रैला करेंगे ये तक किसी को नहीं। ना एक बार यात्रा पर निकले थे कि जिसमें हम ही कागज निकाले थे, उसमें वो अति पिछड़ा समुदाय का बेचारा व्यक्ति था जिसके नाम पर बस ही लोग निकाल लिए थे। वो बेचारा इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास में रहने वाला व्यक्ति था और उसको BPL कार्ड था, उसी के नाम पर ही लोग निकाल लिए थे बस। तो उस समय हम कागजात सब पेश किए थे कि भाई कहाँ से बस आ गया है। अरे रोजगार राजनीति में ढूंढिए ना, गांव के नौजवान जो हैं वो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो अपने रोजगार के सवाल पर संगठित भी रहते हैं, संवेदनशील भी रहते हैं। इसलिए जब भी ऐसे सवाल को आप छेड़िए तो पूरी कार्य योजना के साथ, मुख्य कानून नहीं कि पहला कैबिनेट होगा दुनिया के अंदर, सुने कहें पहली कलम से नौकरी देंगे। अरे भाई तो कहाँ ऐसा सुने हैं भाई, कोई भी रोजगार की बात करेगा तो अपने राज्य के संसाधन को देखेगा। इसके अलावा उसकी पूरी प्रक्रिया है, डिपार्टमेंट से वैकेंसी मंगाएगा, रोस्टर क्लियरेंस करेगा, उसके आधार पर विभिन्न जो सरकारी संस्थाएँ हैं उस संस्थाओं को अनुमोदित करके भेजेगा, उसके बाद उसकी पूरी प्रक्रिया होगी। ऐसा तो हम सुने ही नहीं थे कि एक कलम से 10 लाख, अरे 10 कट्ठा जमीन लिखवावे के है कि एक बार में रजिस्ट्री उसी पर बैठेंगे तो पहली कलम से 10 लाख। अरे हम तो बता रहे 10 कट्ठा जमीन लिखवाने का प्रक्रिया है। अरे रोजगार की प्रक्रिया जो है, अब कोई कहे कि हम घर के मालिक बने और एक दिन में घर खड़ा कर देंगे पूरा, तो कम से कम उसके लिए सारा व्यवस्था, ईंटा गारा सब व्यवस्था करिएगा ना कि कैसे घर को बनता है। बोलना ऐसे मुद्दे पर आसान होता है, जिम्मेवारी आपको 22 महीना सरकार में रहे ना, तो एहसास हुआ होगा ना अपने विभाग में कितने लोगों की नियुक्ति कर पाए। अपने विभाग में जिस विभाग के संचालन का दायित्व आपके ऊपर था भाई, उसकी आपको जब लगे होगा तो आपको आपने अधियाचना भेजी होगी, इसकी प्रक्रिया हुई होगी कि आपको नियुक्ति का अधिकार है किसी को। अरे अनुशंसा का अधिकार हमको हो सकता है, नियुक्ति का अधिकार कैसे हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया।